हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। आज हम बात करेंगे ओप्पो एन रियलमी के कस्टमाइजेशन के बारे में, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था हमारे फ़ोन में, जो यहाँ पे कंट्रोल पैनल किस टाइप का था और नोटिफिकेशन पैनल किस टाइप का था, इसी टाइप का आप लोग यहाँ पे जो है अपने ओप्पो एन रियलमी के डिवाइस में यहाँ पे सेट कर पाएंगे। किस टाइप सेट करें, किस टाइप के प्रोसेसर है, कि सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो सुनने से पहले बता दें दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड के बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड बगल में बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। इंडिया वीडियो पसंद है लाइक करना बोले और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो भी मैं आप लोग को दो एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो ये दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आप लोग को उनके प्रोसेस के बारे में बता दूं कि आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल किस टाइप सेट करेंगे और कंट्रोल पैनल किस टाइप सेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इसका कंट्रोल पैनल के बारे में, तो कंट्रोल पैनल वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। और जैसे आप लोग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ये एकदम सिंपल तरीके की एप्लीकेशन है। आप लोग को स्टार्ट कंट्रोल सेंटर पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आप लोग कंट्रोल पैनल यहाँ पे नीचे से ऊपर साइड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग कंट्रोल पैनल यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पे परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, इसे ऊपर यहाँ पे मैं इसे ऑन करके, तो आप लोगों का कंट्रोल पैनल कुछ टाइप का दिखने वाला है, जिसमें कि एरोप्लेन मोड हो गया, ब्लूटूथ वगैरह होगा, जो भी आप लोग का नोटिफिकेशन पैनल में ऑप्शन आता है ये सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और आप लोग स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को म्यूज़िक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगता है। तो ये तो गया हमारा कंट्रोल पैनल के बारे में, तो यहाँ से आप लोग इसे इनेबल कर लीजिएगा। और ओप्पो के सेक्रेट सेंटर एंड और भी यहाँ पे जितनी भी परमिशन रहेगी यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। ये तो हमारा कंट्रोल पैनल यहाँ पे इस टाइप से आप लोग सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग सेकंड यहाँ पे कस्टमाइजेशन के बारे में, तो वो है यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल। तो नोटिफिकेशन पैनल वाली एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस रहेगी इसके बारे में भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो कैसे यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोग स्टार्ट का बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। फाइल है को टू कस्टमाइजेशन के बारे में और यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन बार हो जाएगा और स्टेटस बार हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का नोटिफिकेशन बार है, तो हम यहाँ पे इसे इस पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन बार को यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस एप्लीकेशन में आप लोग को दो ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं, जो कि है पहला नोटिफिकेशन बार वाला भी और आप लोग स्टेटस बार वाला भी। तो कैसे यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन बार सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का नोटिफिकेशन पर यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग यहाँ से जो पहले ऊपर वाला जो ऑप्शन है नोटिफिकेशन बार वाला, आप लोग का इसमें डिसेबल रहेगा, आप लोग इसे इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिकली आप लोग के फ़ोन में यहाँ पे नोटिफिकेशन बार यहाँ पे सेट हो जाएगा। मैं आप लोग को एक बार दिखा दूँ नोटिफिकेशन बार जो किस टाइप का दिखने वाला है। तो नोटिफिकेशन बार आप लोग को इस टाइप का दिखने वाला है, जिसमें कि आप लोग के ऐड ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ओप्पो के डिवाइस में आप लोग हॉटस्पॉट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग को ओप्पो के डिवाइस में देखने को नहीं मिल जाता, बट आप लोग यहाँ पे हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद कस्टमाइजेशन की बात करेगा, इससे यहाँ पे आप लोग कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन थीम पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग इंटरनेट ऑन करके वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, GIF वगैरह थीम वगैरह, या फिर गैलरी से आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बैक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम स्टेप से एनेबल कर लेंगे। और बात करें स्टेटस बार के बारे में गाइस, तो आप लोग यहाँ पे जो है स्टेटस बार भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं स्टेटस बार को एनेबल करूँगा तो यहाँ पे पहला वाइट था, ब्लैक हो चुका है, तो आप लोग कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। कि फ्रेंड स्टेप्स आप लोग यहाँ पे जो है इसे सेट कर सकते। सेट थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने हिसाब से थीम्स वगैरह भी यहाँ पे लगा पाएंगे। और ये दोनों एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्टेप से आप लोग यहाँ पे कंट्रोल पैनल सेट करिएगा और नोटिफिकेशन बार यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। एंड आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी जरूर बताइए कि आप लोग तो जो है इन दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे लगी और इनका कस्टमाइजेशन आप लोग को कैसा लगा। एंड उम्मीद करें दोस्तों आप लोग का वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो वीडियो कमेंट करना बोले हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।